अंदर व्लॉग गाइस। और आज हम आ चुके हैं भीमा शंकर, ये है महाराष्ट्र में, हम कल थे कर्नाटका में और अभी घाटों के बीच होकर हम आए। तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं दर्शन करवाने वाला हूँ भीमा शंकर के। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है और लगवा लिया है तिलक और अब हम जा रहे हैं नीचे। अभी आए बहुत ज़्यादा हाइट पर, अब दर्शन के लिए जाएंगे थोड़ा सा नीचे। इधर रास्ता है पूरा का पूरा नीचे और सभी लोग बोल रहे हैं जो आ रहे हैं कि फोन सलाव है मंदिर के अंदर, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं। के हैं मंदिर परिसर के अंदर, यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर कुछ प्रसादे शायद बनी हुई है जो यहाँ से खरीद के आप ले जा सकते हैं। और देख सकते हैं आप काफ़ी सारी दुकान है यहाँ पर और यहाँ पर शेड्स बनाए हुए हैं जिससे ठंडक रहती है, यहाँ पर बहुत ठंडक है। और अब जाते हैं अंदर और लग चुकी है लाइन और अब हो जाएंगे यहाँ से दर्शन स्टार्ट, तो बने रहिए मेरे साथ। और इधर है ये मंदिर अदर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है आप देख सकते हैं। यही है मेन मंदिर और मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से लोग दर्शन कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा हमें वापस से एस बनाना है और दर्शन करना है। तो आई थिंक आधे घंटे में हमें दर्शन हो जाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, वहीं पे मैं सारी चीज़ें अंदर दिखाऊंगा। सबसे ईजीएस्ट अभी तक मुझे दर्शन लगे हैं ज्योतिर्लिंग में वो भीमा शंकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 क्यू है, चारों 20-20 फीट की है। हम आधे घंटे में यहाँ पहुँच चुके हैं और 15-20 मिनट और लगेंगे हमें दर्शन के लिए। तो सबसे ईजीएस्ट मुझे लगी थी वो यही लगी है और चलते हैं आगे। अभी मना कर दिया इन झाड़ू वाले ने, हमें भगा दिया यहाँ से, देख सकते हैं। और आगे चलते हैं और मैं दर्शन करूँगा, जो सबसे ईजीएस्ट दर्शन हुए अभी तक वो भीमा शंकर के हुए। चुके हैं भीमा शंकर में, देख सकते हैं वेट इज़ ओवर नाउ और सामने देख सकते हैं वहाँ पे हो रहे दर्शन। अभी और आगे जाएंगे बट यहाँ पे कैमराज अलाव अंदर नहीं रहेंगे, बस मोबाइल अलाव है, तो मैं यहीं से शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दर्शन कर सकते हैं आप भीमा शंकर भगवान के। ये महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और 2 ज्योतिर्लिंग हम कवर करेंगे आज। और सीन्स आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगी हुई है टीवी जिसके अंदर दिख रहे हैं भगवान, आई थिंक आपको दिख रहा होगा अभी। और इसी के साथ वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अंदर जाके और भी चीज़ें दिखाऊंगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चुके इस पार मंदिर के उस पार से दर्शन स्टार्ट हुए थे, इस पार पहुंच चुके, बस थोड़ी सी लाइन और है। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पर अंदर छोड़ रहे हैं ताकि जो भीड़ है वो नहीं हो पाए, इस जगह रोक रहे हैं सारे लोगों को। ये सारे लोग खड़े हैं हमारे साथ वाले और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है जो स्टार्ट किया था, और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रोक रहे हैं ताकि अंदर दर्शन काफ़ी अच्छे से हो सके। देख सकते हैं आप ये ज्योतिर्लिंग है, लग नहीं रहा इतनी आसानी से दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आ चुके मंदिर के पास और यहाँ पर अभी चल रहे थे जब, जो कि अभी हमने किए हैं बंद क्योंकि मंदिर आ चुका है। अब मैं वीडियोस सामने की पूरी दिखाऊंगा जितना हो पाएगा। हमने लगवा लिए सारे टाइप के तिलक्स जो यहाँ पर मिल रहे थे, हर टाइप के तिलक लगवा लिए। और आज फिर पहनी है धोती क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स में अलाव शायद नहीं था, इसीलिए मैं पहले से पहन के आ चुका था। 3 मंदिरों से मुझे भगाया गया है इसीलिए अब मैं पहले से ही ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और अब जस्ट हम पहुँचने वाले हैं भीमा शंकर भगवान के पास, तो बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ आगे। चल रही है लाइन, देख सकते हैं आप, और अंदर जाएंगे, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देंगे शायद, मतलब ऑन नहीं करने देंगे, देखते हैं। तो सवारी निकालते हैं, उसमें जो यूज़ की जाती है पालकी, ये वही पालकी है देख सकते हैं आप। मंदिर के अंदर का सीन जहाँ पर लोग जप वगैरह कर रहे हैं और यह है इधर मंदिर, यहाँ पर है नंदी। अंदर जाएंगे, करवाएंगे आपको दर्शन मंदिर के पास, या पता नहीं अंदर वीडियोस बनाने देंगे या नहीं, तो मैं यहीं से बना रहा हूँ वीडियोस। ये है नंदी और अंदर है भगवान, भीमा शंकर देख सकते हैं आप। पीछे मंदिर है और हम भी खड़े हैं, काफी मस्त दर्शन हुए हैं और इसी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में, करवाएंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे ऊपर
और यहाँ से ऊपर का रास्ता जहाँ से हम नीचे उतरे थे, इधर लग रही है लाइंस जो अभी जाएंगी दर्शन के लिए। और अब थोड़ी भीड़ थोड़ी सी बढ़ चुकी है, हमारे टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी, बट काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए जो आप देख ही सकते हैं। चले एक चीज़ मिली है, देख सकते हैं आप, यहाँ इस लकड़ी की मदद से डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अभी भीमेश्वर में थे और रास्ते में हमें ये चीज़ दिखी है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से, ये लकड़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं और उसकी वजह से जो साउंड निकल रहा है अच्छा सा। ओम नमः शिवाय। देख सकते हो ओम नमः शिवाय का साउंड निकाल रही है। ओम नमः शिवाय। देख सकते काफी बढ़िया साउंड निकल रहा है। यहाँ पर अभी हम थे रास्ते में और हमें दिखा ये चीज। कपड़े आगे काफी मस्त साउंड निकाल रहे थे जो भी उनका इक्विपमेंट था, नाम उन्होंने बताया नहीं क्योंकि वो बात बात कर नहीं रहे थे, केवल अपनी सुन रहे थे कि अपन को क्या बजवाना है, तो वो बजा रहे थे। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। आई थिंक अब जाएंगे हम दूसरे वाले ज्योतिर्लिंग, आई थिंक त्र्यंबकेश्वर में जाएंगे हम, अभी है भीमाशंकर में। तो यहाँ से आई थिंक 250 किलोमीटर होगा, तो पूरा कवर करने के बाद हम पहुँच जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ये जो पहलवान बाबा है फिर से हमें मिल चुके हैं, हमने पिछले वाले वीडियोस में भी इनको कवर किया था। ये देख सकते हैं आप इनकी चाल, देखिए आप, ये पूरी पहलवान वाली चाल है इनकी ये। और अभी भीमाशंकर में थे। जय हो, बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जय श्री महाकाल, जय। ट्रेवल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं शनि सिंगापुर। उस टाइम हम थे भीमाशंकर में, यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है तो आगे ज्यादा देखना पड़ेगा। पहुंच चुके हैं शनि भगवान के मंदिर शनि सिंगापुर और अभी खरीद लिया हमने तेल, चढ़ाएंगे वहाँ पर। और यहाँ से एंट्री देख सकते हैं आप, और अभी हम रोडों के बीच चल रहे हैं, पीछे गाड़ियाँ चल रही, देख सकते हैं आप, यहाँ से एंट्री है। और एंट्री अभी ले रहे हैं, मोबाइल का कुछ बोला नहीं है। और आई थिंक मुझे तो यही मंदिर लग रहा है, देख सकते हैं आप, यही पे ये जो मंदिर आपको दिख रहा होगा, फोकस और कर देता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में वहाँ पर, सारी चीज़ें मैं और भी दिखाऊँगा आपको। ये एंट्री, यहाँ से जा रहे हैं अंदर, यहाँ पर काफ़ी मस्त सुविधाएं हैं देख सकते हैं। और आगे जाकर देखते हैं कहाँ से कहाँ जाना है। आई थिंक मुझे तो लग रहा है पूरा सर्कल घूम के उधर ही वापस रिटर्न आना है, बट आगे जाके और भी चीज़ें दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप। यहाँ से अभी पूरा सीन दिखा देता हूँ। चढ़ रहा है तेल, तेल और तिल दोनों चढ़ रहे हैं देख सकते हैं आप, जो कि शनि भगवान को समर्पित होगा यहाँ से। और यहाँ पर तेल और तिल देख सकते हैं यहाँ पर अर्पण करा है। यहाँ पर चढ़ने के बाद अब हम जाएंगे दर्शन के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है देख सकते हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर में ये मंदिर पे। ये देख सकते हैं ये जो मंदिर है थोड़ा ओपन है, यहाँ पर बैठे हुए शनि देव और चल रहा है दिया, और देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है तेल जो हमने चढ़ाया था उसको, यहाँ से मशीन के द्वारा जो मोटर होती है उसके द्वारा ऊपर गया है, और ये तेल जो सारे लोग यहाँ पर चढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं, तेल जा रहा है यहाँ पर शनि भगवान के पास। और ये काफ़ी ओपन है मंदिर, पूरा खुला है देख सकते हैं, सारे लोग इधर हैं और दर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में, और भी चीज़ें होगी तो मैं दिखाऊँगा, क्योंकि शनिदेव यही है देख सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। यहाँ से निकल चुके हम बाहर और काफ़ी बढ़िया से दर्शन हुए हमारे, और अब हम मैं कवर करूँगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक मैं व्लॉग को यहीं एंड करूँगा, और
अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय। अभी हमें देखने को मिला है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, भगवान नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि हम खड़े थे यहाँ घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में ही है। अभी रात को हम पहुँचे हैं 9:20 पर, और यहाँ जो मंदिर है 9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक चल रहे थे दर्शन। अभी एंट्री बंद कर दी यहाँ दर्शन की, और यहाँ पर आई थिंक अभी भीड़ लगी थी, हमारी 5 बसें हमारी और कुछ कारें थी, आई थिंक 250 से 300 लोग होंगे, बट किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया है, बोल रहे सुबह 5 बजे दर्शन देंगे, तो मैं तो सुबह 5 बजे दर्शन करवा दूंगा, बट यहाँ पर एंट्री देना ही बंद कर दिया भाई, 5 मिनट भी लेट हो गए, कोई इंसान आ जाए किसी के लिए यहाँ पर द्वार खुले नहीं है, सभी को एंट्री बंद है। तो सुबह मिलेंगे, अभी यहाँ पर पूरी तरीके से एंट्री बंद है, देख सकते हैं हम गेट लग चुके हैं, और ये एक ज्योतिर्लिंग है तो इसकी वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं कि टाइमिंग जो रहता है, बाकी अगर नॉर्मली मंदिर होते तो वहाँ पर हम खुलवा सकते थे, यहाँ पर किसी की चल नहीं रही है, सब ने अपना अपना कोशिश कर ली, आई थिंक बोल सकते हो नेतागिरी लगा ली है, बट किसी की नहीं चली और मंदिर बंद है, नहीं खुल रहा है, सुबह 5 बजे ही खुलेगा। तो सुबह 5 बजे मैं दिखाऊँगा आपको पूरे मंदिर के दर्शन, तो मिलते हैं सुबह 5 बजे।